विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 18 सितंबर से होंगे जम्मू कश्मीर में चुनाव, 3 चरणों में डाले जाएंगे वोट, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे। हरियाणा विधानसभा के लिए एक ही चरण में सभी 90 सीटों पर होगी वोटिंग, 1 अक्टूबर को होगा मतदान, 4 अक्टूबर को आएंगे नतीजे, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। चुनाव आयोग का ऐलान, महाराष्ट्र और झारखंड में बाद में होगा चुनावों का ऐलान। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव की काउंटिंग के बाद हो सकता है महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव का ऐलान। हरियाणा में कांग्रेस जल्दी करेगी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 90 सीटों के लिए कांग्रेस में 2,556 उम्मीदवारों ने किया टिकट का दावा। विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्ष का मोदी सरकार पर हमला, कहा वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं पीएम, 4 राज्यों में एक साथ करवा के दिखाएं चुनाव। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को लगाई फटकार, घटना को बताया राज्य सरकार की विफलता। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का जेडीयू आरजेडी पर हमला, कहा जब बिहार के राजनीतिक दलों की फंसती है गाड़ी तो सारे प्रशांत किशोर से लेने आते हैं सलाह। शुरू हुई मनीष सिसोदिया की पदयात्रा, 17 महीनों बाद जनता से करेंगे सीधा संवाद, हाल ही में टल गई थी पदयात्रा की तारीख। पीएम मोदी के मौजूदा कोड को कम्युनल कहने पर मायावती का पलटवार, कहा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत की संवैधानिक व्यवस्था को कम्युनल कहना कितना उचित, पीएम ने लाल किले से संविधान व्यवस्था को कहा था कम्युनल। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-08 का हुआ सफल प्रक्षेपण, धरती की निगरानी के लिए किया गया लॉन्च, सबसे छोटे रॉकेट SSLV से भेजा गया EOS-08। 37 की उम्र में थाईलैंड की पीएम बनी श्रीनावात्रा, थाईलैंड की सबसे युवा पीएम बनी है श्रीनावात्रा, पूर्व पीएम थाकसिन श्रीनावात्रा की है बेटी। शेयर बाजार में भारी उछाल, 1330 अंकों की बढ़त के साथ 80,436 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 397 अंकों की बढ़त के साथ 24,541 पर बंद हुआ निफ्टी। एक साल के लिए बढ़ा VVS लक्ष्मण का कार्यकाल, बने रहेंगे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष, ठुकराया IPL कोच का ऑफर। स्त्री 2 का पहले ही दिन बड़ा धमाका, बनी साल की सबसे बड़ी ओपनर, पहले ही दिन बटोरे 55 करोड़ रुपए। नेशनल अवार्ड की हुई घोषणा, ऋषभ शेट्टी को कांतारा के लिए मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड, वहीं गुलमोहर को मिला बेस्ट फिल्म का अवार्ड।